कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगप्रिया सिंपलिसिटी। चलिए हम ज्यादा देर नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैंने अपने घर को सजाया है, अपनी फैमिली मेंबर के पसंद को ध्यान में रखते हुए कैसे मैंने अपने घर को डेकोरेट किया है, उनकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उनका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है, और मेरे हस्बैंड। तो किस तरीके से मैंने सजाया है, क्या क्या क्रिएटिविटी करी है अपने घर में, तो वही मेरे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। मेरा घर टू साइड ओपन है दोस्तों। ये जहाँ से मैंने आपको एंट्री कराई है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ये देखिए, ये वाला फ्रंट है। इस साइड से जाते हैं, देखिए इस साइड से जाएंगे तो पीछे की साइड निकलता है, और इस साइड से जाएंगे तो मंदिर की साइड निकलता है। मंदिर के मैंने आपको पहले भी टूर कराया हुआ है। ये देखिए, ये मंदिर है और ये फ्रंट है। आपको देखिए, मेरे पूरे ये लिविंग रूम का पूरा व्यू दे रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा व्यू है मेरे लिविंग रूम का। वो मेरी किचन है। ये देखिए, तो यहाँ से हमारा फ्रंट है, और ये मेरा शोकेस है। ये देखिए, ये जो फाउंटेन है ये मेरे हस्बैंड ने खुद बनाया था लॉकडाउन में। और ये मेरा छोटा सा मंदिर है जहाँ मैं पूजा करती हूँ। मेरे भगवान जी है, मेरे कान्हा जी है, मेरी लक्ष्मी माँ है, और बच्चों के कुछ टॉयज रखे हुए हैं क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। देखिए, ये मेरा म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पे। एक छोटी सी डेकोरेशन करी है मेरी बेटी ने। ये मेरा सोफ़ा रखा हुआ है मेरे लिविंग रूम में। ये देखिए, मेरी टेबल है, सेंटर टेबल। एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, और ये मेरी शादी की फ़ोटो है, तब मैं बहुत पतली थी। ये मेरा बेटे की फ़ोटो है, हमारा फैमिली फ़ोटो भी है। एक छोटा सा कॉलार्ज, लाइट से दिख नहीं रहा है सर। कॉलार्ज है, ये मेरे बच्चों की फ़ोटो है। ये मेरा डाइनिंग है, ये दिवाली का सामान रखा है। ये देखिए, सारे फूल वूल, और ये भी हमने बनाया था, ये शीशे के मैंने अमेज़न से मंगाए थे, तो ये बहुत सुंदर लगता है। वहाँ एक फ्लावर पॉट रखा है, और ये मेरी किचन है। किचन को अवॉइड करना दोस्तों, अभी थोड़ी फैली हुई है क्योंकि खाना पीना सब बना लिया है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, कभी मैं किचन का टूर आपको अलग से दूंगी, पर खाना सारा बना दिया है। फ्रूट धो के रखे हुए हैं, और ये देखिए, दही बल्ले बनाए के लिए ये दही है, ये चटनी है, आटा गूंद के रखा हुआ है, और सब्जी बना दी है, राइस बना दिए हैं, पूड़ियाँ बनानी है। यहाँ मेरा फ्रिज रखा हुआ है, और वॉशिंग मशीन भी यहीं पर है किचन में। ये मेरे कान्हा जी की फ़ोटो है, ये मैं द्वारकाधीश जी से लाई थी। ये देखिए, उन्हें वाले टोकरी बंद करना ज़रा। ये देखिए, ट्यूबलाइट बंद करो ना। ये देखिए, ये मेरे कान्हा जी की फ़ोटो है। ये देखिए, बहुत प्यारी फ़ोटो है ये। और यहाँ पे भी मेरा एक सोफ़ा रखा हुआ है इस साइड पे। ये देखिए, यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। और पूर्णिमा है, हेलो पूर्णिमा। हेलो। ये आपको मैं अपने पूरे लिविंग रूम का व्यू दे रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा पूरा लिविंग रूम है जहाँ डाइनिंग रखी है, हमारी एक फैमिली पिक्स लगी हुई है, ये मेरे सेंटर टेबल है, और ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। और ये देखिए, मैंने स्टिकर लगा रखे हैं मिरर वाले, और इससे ये पिक बनाई है, और बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये भी कितना अच्छा लग रहा है। टू साइड ओपन है, जहाँ से मैंने फ्रंट से वीडियो स्टार्ट करी थी वहाँ से, तो वहाँ पर कोई भी आता है तो सबसे पहले हैंड वॉश कर सकता है। तो यहाँ पर वो रखा हुआ है, इसमें हमारा शू रैक है। ये देखिए,
ये हमारा शू रैक है और यहाँ पे ये एक अरोमा बर्नर जल रहा है और हैंड वॉश रखा है और ये रखा हुआ है। और ये देखिए फ्लावर पॉट है, कान्हा जी है, एक ये फिश पॉट जला हुआ है। तो ये मेरे एंट्रेंस है और ये किसी को शीशा ना लग जाए इसलिए ये लगाया हुआ है। और फिर यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये मेरे पूरे लिविंग रूम का ये व्यू है। ये देखिए और मेरा एक यहाँ से एंट्रेंस है। ये देखिए मंदिर मैंने आपको दिखाया ना, तो ये मंदिर का डोर है और ये फ्रंट है। तो ये मंदिर का डोर है, यहाँ पे मंदिर है। ये मेरे बच्चे की फोटो लग रही है दोनों की। और ये हमारा मंदिर है जिसमें मैं घर में पूजा करती हूँ। ये मेरे कान्हा जी है, मेरी लक्ष्मी माँ, हमारे भगवान जी हैं। ये शोकेस है पूरा, ये देखिए इसका व्यू मैं आपको देती हूँ। ये देखिए बहुत बड़ा है, ये पूरी दीवार को कवर करता है दोस्तों। ये देखिए पूरा व्यू है, ये सोफा रखा हुआ है। डाइनिंग है, मेरी किचन। और ये मेरे घर का सबसे फेवरेट कोना है मेरा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। अगर मेरी आवाज़ में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। यह मैंने एक मैट डाला हुआ है और ये होली में डेकोरेशन की हुई है, सारी चल रही है। ये देखिए एक मटकी में डेकोरेशन की हुई है, ये मेरे बुद्ध भगवान है। एक रूम ये है, ये देखिए कान्हा जी की फोटो लगी हुई है। अब हम इसमें जा रहे हैं, ये एक रूम है। ये देखिए ये रूम है, ये वॉलपेपर लगा हुआ है दोस्तों, बच्चों की रूम है ये। और बच्चों ने इसमें पेंटिंग भी की हुई है, मेरे दादी ससुर दादी सास है। और ये देखिए बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स भी लगाई हुई है। बोले ये बच्चों का स्टडी टेबल है, ये टेडी रखा हुआ है। और ये पूरा एक्चुअली मैंने ये ड्रेसिंग टेबल है दोस्तों, ये देखो ये ड्रेसिंग टेबल है पूरा, पर हम यूज़ नहीं करते। ये देखिए वहाँ मेरे बेटे का पियानो रखा हुआ है, ये पूरा है। ये कपड़े रखे हैं बच्चों के प्रेस होकर पहनने होने। ये बेड है, ये पूर्णिमा ने फोटो लगाई हुई है अपनी और शौर्य की, और ये फोटो फ्रेम उसने खुद बनाया था। और ये पूर्णिमा की फोटो लगी हुई है, और ये एक भागवत गीता है जो वो पढ़ती है कभी कभी रात में, और कुछ बुक्स है उसकी। ये देखिए पढ़ते हैं बच्चे ने। ये गुप्पू है पूर्णिमा का, ये गुप्पू, और ये केरा गुप्पू, ये रहा ये पूर्णिमा के गुप्पू हैं। तो एक ये रूम है हमारा, इसको बंद कर देते हैं। अब हम चल निकल के, हम इस रूम से आए, इससे निकल के ये लिविंग रूम आ गया
वो किचन हो गई। अब हम जा रहे हैं दूसरे रूम में। अब मैं उस रूम से आई हूँ ना, सॉरी हेलो करो। अब मैं उस रूम से आई हूँ, ये मेरा सेकंड रूम है, ये देखिए ये मेरा सेकंड रूम है जिसमें ये मेरा मास्टर बेडरूम है, तो ये देख लीजिए। यहाँ एक पानी का जग रखा हुआ है और ग्लास रखा हुआ है, क्रीम है मैं यूज़ करती हूँ रात को। ये एक टेबल है, सोफ़ा कम बेड है क्योंकि कोई भी बच्चा मेरे पास सो जाता है, शौर्य है पूर्णिमा जो भी जिसको भी सोना है तो आसानी हो जाती है। और ये देखिए ये ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ हमारा एक टीवी लगा हुआ है, वॉल पे वॉच है, और ये एसी लगा हुआ है। ये मेरी शादी की एक फ़ोटो लगी हुई है, थोड़ी सीलिंग आ रखी है उसे अवॉइड करना। और ये पूर्णिमा का है छोटा छोटा सा फ़ोटो जब वो छोटी थी। और ये पूरी एक अलमीरा है, ये देखिए ऊपर से पूरी वॉल टच है। और ये बाथरूम है, अटैच बाथरूम है। बाथरूम को क्या दिखाना, बाथरूम जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। तो ये बाथरूम है, तो ये है पूरा, मैं आपको पूरे का व्यू दे रही हूँ, ये देखिए। अब इस रूम में से हम मैं बाहर निकल आई हूँ, ये देखिए। तो यही मेरा एक छोटा सा घर था दोस्तों, ये देखिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इस रूम में भी पूरी वॉल टच अलमीरा है, शायद मैंने आपको दिखाया नहीं, ये देखिए ये पूरी वॉल टच है, ये पूरी वॉल टच है, ये देखिए ये बच्चों वाला जो रूम है, ये देखिए। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये छोटे से घर का टूर आपको अच्छा लगा होगा, आपको मेरी डेकोरेशन पसंद आई हो, कोई भी चीज़ आपको मेरी वीडियो में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, ओके बाय बाय।